नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। मुहर्रम का मातम इस वक्त चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो डरावनी, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान कर दिया है कि मुहर्रम मनाना है तो बहुत शांति से मनाइए, थोड़ा दंगाई मत कीजिए वरना इलाज कर दिया जाएगा, जिसके बाद खूब राजनीति भी हो रही है। और इसी कड़ी में अब सीएम योगी आदित्यनाथ को कांग्रेसी शहनवाज आलम ने धमका दिया है और इशारों में कह दिया है कि कुर्सी जाने वाली है लेकिन अकड़ नहीं। दरअसल सीएम योगी ने अभी हाल ही में कहा कि या तो त्यौहार शांति से मनाओ या फिर घर बैठ जाओ, जिसके बाद उनके इस बयान की खूब चर्चा हुई। विपक्षी लगातार हमलावर हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस की तरफ से भी उन पर हमला बोला जा रहा है। कांग्रेसी शहनवाज आलम ने क्या कुछ कहा है आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनाते हैं कि मुहर्रम पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिलना होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। उनका साफ संदेश है कि कोई भी त्योहार शांति से ही मनाना है, अगर प्रशासन को कोई परेशानी हुई, आम जनता को कोई परेशानी हुई तो फिर इलाज कर दिया जाएगा। जिसके बाद कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शहनवाज आलम ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इस बयान की आलोचना की है और फिर उन्होंने इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से धमकी भी दे दी है और ये बताने की कोशिश की है कि सीएम योगी के इस बयान से प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो खराब हो सकती है और मुसलमान परेशान हैं। शहनवाज आलम कहते हैं अपने बयान में, ऐसी भाषा से मुख्यमंत्री खुद मुहर्रम के दौरान अराजक तत्वों को उकसाकर हिंसा कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को खुद अपने राज्य की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कुर्सी जाने की बेचैनी में वो संघ को खुश करने के लिए सांप्रदायिक भाषा बोलने लगे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो संवैधानिक पद पर आसीन है। वो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। तो कांग्रेसी शहनवाज आलम ने जिस तरीके से सीएम योगी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, इसीलिए आरएसएस को खुश करने के लिए वो इस तरीके से सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं, अब उसके बाद निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी होगा। लेकिन जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम को लेकर बयान दिया है और कई चीजों पर पाबंदियां लगाई हैं, उसके बाद से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इसी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रही हैं। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम पर बयान देते हुए क्या कुछ कहा, जिस पर कांग्रेस के शहनवाज आलम ने पलटवार किया है, वो सुनिए। और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिलना होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ।
ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है।